विलियम शेक्सपियर ने कहा था, नथिंग इज गुड और बैड, आवर थिंकिंग मेक इट सो। यानी कि कुछ भी अच्छा या बुरा नहीं है, हमारी सोच ही उसे अच्छा या बुरा बनाती है। यह वाक्य सुनने में तो बहुत ही सरल है, पर आध्यात्मिक तल पर इसकी गहराई जानने के लिए खुद से एक लंबी लड़ाई लड़नी पड़ती है, साथ ही सामाजिक मान्यताओं और व्यवहार तथा इन सब से परे दृष्टि रखते हुए भी बातों का सूक्ष्म विश्लेषण करना होता है। आध्यात्मिक मार्ग में विलक्षण अनुभूति के लिए स्वयं और ईश्वरीय सत्ता में भेद मिटाने के लिए एक ऐसा ही मार्ग है जिसका नाम है अघोर। अघोर मुख्यतः एक ही बात पर जोर देता है और वह है समदृष्टि। अघोर यह मानता है कि अच्छाई और बुराई दोनों ही परमात्मा की देन है और दोनों का ही उपयोग साधना मार्ग में अभीष्ट प्राप्ति के लिए किया जा सकता है और परमात्मा की ऊर्जा को उसके वास्तविक स्वरूप में जानने के लिए संसार में मौजूद हर चीज को ईश्वरीय कृति के रूप में देखना चाहिए, तभी सर्वोच्च ऊर्जा का अनुभव समग्र रूप में किया जा सकता है। 16वीं शताब्दी में भारत के उत्तरी हिस्से में एक ऐसी दिव्य विभूति का जन्म हुआ जिसने अघोर साधना को एक नए आयाम पर ले जाकर खड़ा कर दिया और अघोर मार्ग में हमेशा के लिए पूजनीय हो गए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रवि, आपका स्वागत है हमारे चैनल आयाम इंडिया में। सिद्धों की परंपरा में आज हम बात करेंगे अघोरी संत बाबा कीनाराम की। 16वीं शताब्दी के प्रारंभ में जन्मे कीनाराम बचपन से ही वैरागी प्रकृति के थे। उनके विरोध के बावजूद भी माँ बाप ने उनका विवाह कम उम्र में कर दिया। गौनिक से पूर्व ही बाबा ने एक दिन अपनी माँ से दूध भात खाने को मांगा। माँ बाप को बहुत ही आश्चर्य हुआ क्योंकि किसी अशुभ घटना के घटने के बाद ही दूध भात खाने की परंपरा थी। अगले दिन उनके परिवार को खबर मिली कि बाबा की पत्नी का निधन हो गया है। बाबा द्वारा एक दिन पहले ही दूध भात मांगना इस बात की ओर इशारा करता है कि बाबा को पहले से ही इस घटना का आभास हो गया था। कुछ ही वर्षों में बाबा के माता पिता का भी निधन हो गया और कीनाराम एकदम अकेले हो गए और इसके बाद कीनाराम निकल पड़े उस अज्ञात की तलाश में, जिसको जानने के बाद न कुछ जानना शेष रह जाता है और न ही कुछ पाना शेष रह जाता है। कीनाराम जी का पहला पड़ाव था बाबा शिवराम जी का आश्रम, जो कि एक वैष्णव थे और आध्यात्मिक क्षेत्र में उनकी काफी ख्याति थी। बहुत जल्द ही शिवराम जी को यह समझ आ गया कि कीनाराम कोई साधारण युवक नहीं है और शिवराम जी ने यह निष्कर्ष निकाला कि यह युवक निश्चित तौर पर एक अवतारी शक्ति है। उन्होंने निश्चय किया कि वे कीनाराम को आध्यात्मिक मार्ग में दीक्षित करेंगे। एक दिन उन्होंने कीनाराम से दीक्षा की सामग्री लेकर गंगा किनारे चलने को कहा। जब वे गंगा किनारे पहुंचे तब शिवराम जी नित्य कर्म का बहाना कर झाड़ियों के पीछे छुपकर बैठ गए। वे बहुत ही आश्चर्यचकित हुए इस बात को देखकर कि गंगा की लहरें कीनाराम जी के पैर छूने को उतावली हो रही हैं। तब शिवराम जी तुरंत ही समझ गए कि यह एक उच्च कोटि की आत्मा है। कुछ समय के पश्चात कीनाराम जी की गुरु माता का निधन हो गया। उनके गुरु ने दोबारा विवाह करने का फैसला किया। कीनाराम जी ने अपने गुरु से साफ साफ कह कीनाराम जी ने अपने गुरु से साफ साफ कहा कि यदि आप दूसरा विवाह करेंगे तो मैं किसी और गुरु की तलाश में निकल जाऊंगा। गुरु जी इस बात से काफी नाराज हुए और कहा कि जैसी तुम्हारी मर्जी हो वैसा करो। इसके बाद कीनाराम जी आश्रम छोड़कर चले गए। घूमते फिरते हुए एक गांव पहुंचे जहां पर एक विधवा औरत रो रही थी। कारण पूछने पर पता लगा कि उस पर एक पुराना कर्ज था जिसे वह
चुका ना सकी और जिसके कारण जमींदार के लोग उसके इकलौते बेटे को ले गए और उसे एक नौकर की तरह काम करवाया जा रहा था। बाबा कीनाराम जमींदार के पास गए। उन्होंने देखा कि लड़का कड़ी धूप में बैठा हुआ है। बाबा ने जमींदार से लड़के को छोड़ने के लिए कहा, मगर जमींदार ने पहले अपने पैसों की मांग की। बाबा ने कहा, जहां ये लड़का बैठा है वहां खुदाई कराओ, तुम्हें अपना पैसा मिल जाएगा। जब वहां खुदाई हुई तो वहां पर कर्ज चुकाने के लिए माकूल धन मिल गया। सभी लोगों को बहुत ही आश्चर्य हुआ और जमींदार ने पैर पकड़ अपने कृत्य के लिए क्षमा मांगी। जिस युवक को जमींदार ने अपने यहां नौकर की तरह रखा था उसका नाम था बीजाराम। बीजाराम की मां ने कहा, चूंकि बीजाराम को बाबा ने बचाया है, अब वे ही बीजाराम के पिता हैं। और ये कहते हुए उन्होंने बीजाराम को बाबा कीनाराम को सौंप दिया। इसके बाद बाबा गिरनार पर्वत पहुंचे और लंबी साधना की, जिसके बाद उन्हें भगवान दत्तात्रेय और बाबा कालूराम के साक्षात दर्शन हुए। इन सर्वोच्च शक्तियों ने न सिर्फ बाबा कीनाराम को अघोर विद्या में दीक्षित किया बल्कि उन्हें कई सिद्धियां भी प्रदान की। इसके पश्चात बाबा जूनागढ़ आ गए और शहर के बाहर ही अपना डेरा जमा लिया। ध्यान में प्रवेश से पहले बाबा ने अपने शिष्य को भिक्षा मांगने के लिए भेजा। शहर के नवाब ने यह आदेश दे रखा था कि सभी भिखारियों एवं साधुओं को कैद में डाल दिया जाए। इसी आदेश के कारण कीनाराम जी के शिष्य को भी कैद में डाल दिया गया। जब बीजाराम भिक्षा मांगकर वापस नहीं लौटे तो बाबा कीनाराम ने अपनी शक्ति से बीजाराम के ना लौटने का कारण पता किया। बाबा स्वयं ही शहर पहुंच गए और एक प्रकार से अपनी मर्जी से ही कैद खाने ले जाए गए। वहां पर बाबा ने देखा कि साधुओं से अथक परिश्रम कराया जा रहा है। इन सभी साधुओं से चक्कियों के द्वारा आटा पिसवाया जा रहा था। बाबा को भी यही काम दिया गया, मगर बाबा ने चक्की को अपनी छड़ी से छुआ और कैद खाने की सारी चक्कियां अपने आप ही चलने लग गई। जब यह बात नवाब तक पहुंची तो वह तुरंत ही बाबा के पास गया और उन्हें अपने महल में आने का निमंत्रण दिया। जब बाबा उसके महल पहुंचे तो उसने बाबा को हीरे जवाहरात भेंट किए। बाबा ने एक कीमती पत्थर उठाकर अपने मुख में रखा और कहा, यह स्वादहीन है, मजा नहीं आया। नवाब समझ गया कि बाबा को इस भेंट में कोई रुचि नहीं है और तब नवाब ने बाबा से पूछा कि वो क्या कर सकते हैं। बाबा ने कहा कि साधुओं को कैद कराने का आदेश खारिज करो और रोज दान में उन्हें आटा दिया। आपने ऐसा ही किया जिसके बाद उसे पुत्र की प्राप्ति हुई। विदित हो कि नवाब को लंबे समय से कोई संतान नहीं हो रही थी। इसके पश्चात बाबा हिंगलाज देवी के शक्तिपीठ पहुंचे जहां पर बाबा ने साधना शुरू कर दी। बाबा के पास रोज एक स्त्री आने लगी जो कि रोज बाबा को स्वादिष्ट भोजन करा के जाती। एक दिन बाबा ने उस स्त्री से अपनी पहचान बताने को कहा, मगर जब वह स्त्री पहचान बताने में झिझकने लगी तब बाबा ने कहा कि वह बिना पहचान जाने भोजन ग्रहण नहीं करेंगे। तब उस स्त्री ने बाबा को हिंगलाज माँ के रूप में दर्शन दिए जो कि अघोर विद्या की देवी हैं। इसके बाद बाबा काशी चले गए। जब बाबा काशी पहुंचे तब वे हरिश्चंद्र घाट पर स्थित शमशान गए जहां पर उन्होंने देखा कि बाबा कालूराम कपालों के मध्य में बैठे हुए हैं। कालूराम जी ने कहा कि मुझे भूख लगी है। कीनाराम जी ने मां गंगा से प्रार्थना की और कुछ मछलियां पास ही जल रही अग्नि में आकर गिर गईं। उसके थोड़ी देर बाद बाबा कालूराम ने गंगा में बहते हुए एक शरीर की तरफ इशारा करते हुए कहा कि वो देखो, एक शव जा रहा है। बाबा कीनाराम ने कहा
कि वो शव नहीं है, वो जीवित है। उन्होंने उस शरीर को आवाज लगाई। यह शरीर तैरता हुआ गंगा किनारे पहुंचा और बाबा के सामने खड़ा हो गया। बाद में बाबा ने उसको राम जीवन राम का नाम दिया। अपने अंतिम समय में बाबा कीनाराम ने अपने शिष्यों से हुक्का मंगवाया। इसके बाद वहां कुछ देर के लिए भूचाल जैसा आ गया और लोगों ने देखा कि बाबा के सिर से एक तीव्र प्रकाश निकला जो कि तीव्र गति से बादलों में विलीन हो गया। दोस्तों, साधना चाहे कोई भी हो, उसमें उच्च अवस्था तक पहुंचने के लिए, चरम अवस्था तक पहुंचने के लिए ईश्वरीय प्रेम और नियमित अभ्यास बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसी के बलबूते हम साधना मार्ग में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। महाशक्ति आपकी रक्षा करें, आपके जीवन में शुभता हो, यही मेरी ईश्वर से कामना है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।